মাইন আছে জায়গা ইন্দ্র पटा हो गया हुआ। अब आप क्या पुट करेंगे? इसलिए अब आपका समीकरण एक बदल जाएगा, जहां जहां वाई के जगह एक्स रखेगा एक्स कट जाएगा। यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया और यहाँ नीचे हो गया मान। समझ में आया? जब मान हम रखते हैं तो क्या होता है, केवल भिन्न का अंश एक तो कट जाता है। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिए, आगे नहीं समझ में आया। अब इस जी को उधर भेजते हैं, यह जाकर हुआ माइनस जी माइनस बी माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इधर ला देते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो डी भी बाई टू भी प्लस भी बराबर माइनस डी एक्स बाई एस। समझ में आया है? और इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया टू प्लस माइनस डी एक्स बटा एक्स। अब ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। डायरेक्ट हम लोग सीखे थे इसको लिखना, बड़ा फैक्टर है वन बाई भी माइनस वन बाई टू प्लस टू बढ़ जा रहा है, इसलिए दो से हार से दे। देखिए तो नहीं समझ में आया। देखिए इस तरह का हम आपको सिखाए हुए हैं कि जब भी लीनियर फैक्टर हो तो बड़े फैक्टर में से छोटा फैक्टर घटा लीजिए, जितना बढ़ रहा है उतना से भाग दे दीजिए। तो इसमें से हम घटाएंगे वन बाई भी माइनस वन बाई टू प्लस भी, तो इसका कैलकुलेशन किए तो यहाँ क्या आएगा, माइनस बटा भी इन टू। तो ये भी से भी कट के कितना पड़ गया, दो पड़ गया। इसलिए दो से अगर हम भाग दे दें इसमें, दो से दो कट कर भी उतना नहीं आ जाएगा। ठीक है,